हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 सी का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है कि इंसर्ट ए रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5, यानी 2 और 2.5 के बीच में। ये दोनों क्या है, हमारे रैशनल नंबर हैं, ये हमारा होल नंबर है, इसलिए भी रैशनल है क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा रहता है। उसी तरीके से ये हमारा डेसिमल में भले है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। यानी दो रैशनल नंबर दिया गया है और इसके बीच में आपको एक रैशनल और एक इरेशनल पता लगाना है। तो कभी भी अगर दो रैशनल नंबर दिया रहे ना, तो उसके बीच में करोड़ों रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, जिसको हम करोड़ से क्या उससे भी ज़्यादा होते हैं, इनफिनाइट कहते हैं। इनफिनाइट मतलब कि हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। तो केवल हमको एक एक यहाँ पर बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, यानी कैसे यहाँ पर हम पता लगाएंगे कौन सा रैशनल नंबर इसके बीच में है। आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना कि गिवन नंबर हमारे पास कितना है, 2 है और 2.5 है। तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर आप ए करके भी लिख सकते हो कि एक रैशनल नंबर हम बता रहे हैं केवल, बाकी आप इसे बहुत सारे लिख सकते हो। जैसे देखो, मैं यहाँ पर एग्जांपल आपके तौर पर बता रहा हूँ, 2 है तो एक 2.1 हो जाएगा, उसके बाद 2.2 हो जाएगा, उसके बाद 2.3 हो जाएगा, फिर 2.4 हो जाएगा, फिर 2.5। तो यही, तो इसमें से आप कोई सभी उठा करके लिख दो, ये सभी क्या हमारे रैशनल नंबर ही कहलाएंगे। क्लियर है? तो आप कोई से भी एक नंबर लिख लेना अपने मन से। मैं यहाँ पर चारों आपको समझा दिया हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सरसाइज 1 ही अच्छे से समझना पड़ेगा। 1 ही में आपको जो विजुअलाइज करने के लिए दिया हुआ है ना, मैग्निफिकेशन वाला जो हमारा मेथड होता है, उसमें हम पता लगाते हैं कि दो नंबर के बीच में बहुत सारे, इतने सारे रैशनल नंबर मिलेंगे ना। जैसे यहाँ पर हमारा 2.1 है ना, तो 2.11 हो जाएगा, फिर 2.12 हो जाएगा, फिर 2.13 हो जाएगा। इस तरीके से और बहुत सारे रैशनल नंबर हैं। तो आप सिंपल भी समझो, यहाँ पर हमारा इजी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 1 सी में। जब आगे चलेंगे तो और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल आप इन चारों में से कोई सभी रैशनल उठा करके बता सकते हो, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। उसी तरीके से अब इरेशनल बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अंडर रूट में अगर हमारा प्राइम नंबर रहता है, जैसे कि 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, नहीं 4 नहीं 5 हो गया, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आता है वो क्या हो जाता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो यहां पर आप लिखोगे फिर से कि सिंस हम लोग जानते हैं, यानी कि इस तरीके से जो 2 होता है, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में, तो अंडर रूट 4 लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 होता है। उसी प्रकार 2.5 है, उसका अंडर रूट में अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा। देखो 2.5 का हमारा अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 25 × 25 तो आ जाता है 625, यानी कि इसका जो अंडर रूट में वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 6.25। ठीक है, यानी कि 6.25 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तब हमारा आंसर 2.5 आएगा। तो 2 को हम लोग अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, 2.5 को हम लोग अंडर रूट 6.25 लिख सकते हैं। बस अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, तो यहाँ पर आप फिर से लिख देना इरेशनल नंबर बिटवीन देम कौन कौन से हैं। तो अंडर रूट 4.1 लिख सकते हो आप, फिर अंडर रूट 4.2 लिख सकते हो, अंडर रूट 4.3 लिख सकते हो। ये सभी क्या है, ये सभी हमारे इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 4.4 लिख लो, कोई सभी बता दो, अंडर रूट 4.5, 4.6 है ना, 4.7, 4.8, कोई भी नंबर उठा करके ले लो, ये सारे नंबर आपको इरेशनल ही मिलेंगे। बस ये ध्यान रखना कि वो हमारा अंडर रूट से बाहर ना निकल रहा हो। जैसे अंडर रूट से बाहर कौन सा निकल जाएगा, अंडर रूट 3.6, ये जो है ना अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, ये हमारा 0.6 बन जाएगा। 0.6 ही बनेगा ना कि 1.6 बनेगा, नहीं 0.6 ही बनेगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.6 बनेगा। तो ऐसा कोई नंबर मत लिखना इरेशनल में जो अंडर रूट से बाहर निकल करके हमारा होल नंबर बना रहा हो या फिर डेसिमल वाला टर्मिनेट नंबर बना रहा हो। सिंपल आप इस तरीके से कोई भी नंबर उठा करके लिख दो, है ना, जैसे 4.1 लिख दो, ये हमारा इरेशनल है इन दोनों के बीच में, 4.2 भी इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर है, 4.3 भी अंडर रूट में इरेशनल ही नंबर है। तो इसमें सब कोई भी लिख लेना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए रैशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 8 को, तो अब तो आपको बिल्कुल समझ भी नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो समझ करके, नहीं तो रट करके तो कोई भी कर लेगा, लेकिन समझने की बात है। तो 1 से 7 तक वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 से आगे का, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।